रीवा राष्ट्रीय बैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022 में रीवा जिले में विगत वर्षों के मलेरिया रोग की अधिकता वाले क्षेत्र में चयनित 10 उप स्वास्थ्य केंद्र में मलेरिया मास सर्वेलेंस शिविर दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में 30 जुलाई तक यह शिविर लगाया जाएगा। दूसरे चरण में 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शिविर आयोजित किया जाएगा। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि मलेरिया प्रभावित विकास खंड हनुमना के 9 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसमें हनुमना, बढ़ैया, चरैया, सलैया, मिसिरगवा, मलयगवा, अलहवा, पहाड़ी, तेंदुआ, बैलान तथा विकास खंड त्योथर का एक उप स्वास्थ्य केंद्र परसिया है। उन्होंने बताया कि मास सर्वेलेंस शिविर के दौरान विगत वर्षों के चिन्हित उप स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में प्रत्येक मलेरिया रोगियों तथा संभावित रोगियों एसिप्टोमेटिक छूटे हुए संभावित रोगियों की खोज कर उनकी जाँच की जाएगी। जांच के उपरांत पॉजिटिव पाए गए रोगियों का पूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जाएगा ताकि मलेरिया के संक्रमण समाप्त हो जाएं। शिविर के दौरान ग्रामीण को मलेरिया से बचाव एवं रोकथाम की जानकारी दी जाएगी। शिविर में मलेरिया की जांच रैपिड डायग्नोस्टिक किट के द्वारा की जाएगी तथा जांच परिणाम की रोगियों को भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समस्त ग्रामीण मलेरिया सर्वेलेंस शिविर के दौरान मलेरिया की जांच कराएं। जांच में मलेरिया पॉजिटिव पाए जाने पर पूर्ण उपचार कराकर खुद को सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।